हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदीप बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, हुंडई की मोस्ट पॉपुलर 6 और 7 सीटर एसयूवी एल्काज़ार, जो कि लॉन्च हुई थी इंडिया में फर्स्ट टाइम 18 जून 2021 को, हुंडई एल्काज़ार के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि ठीक एक साल बाद कंपनी लॉन्च करने वाली है इसकी एक और सस्ती वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट रहने वाली है, जिसका नाम होगा एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट। और कंपनी ने ये डिसीजन इसकी सेल्स फिगर बढ़ाने के लिए लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई 2022 में सेल्स फिगर की अगर हम बात करें तो महिंद्रा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी एक्सयूवी 700 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे टाटा मोटर की प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी हैरियर एंड थर्ड नंबर पे रही है 6 और 7 सीटर हुंडई एल्काज़ार। और दोस्तों, कंपनी का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट के लॉन्च होने से इसके सेल्स फिगर में चार चांद लगने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हुंडई एल्काज़ार की जो प्राइसिंग रेंज है 16.44 लाख टू 20.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है, वहीं न्यू एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट की जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो वो रहने वाली है 1 लाख रुपीज सस्ती। और ये नई एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट आ रही है दोनों ही इंजन ऑप्शन में, यानी पेट्रोल और डीजल इंजन में उपलब्ध होगी। पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 156.82 BSV की पावर 6500 RPM पे एंड 191 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन में आपको देखने को मिलेगा केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आएगा। माइलेज की अगर हम बात करें तो मिलने वाले है 14.5 KMPL की माइलेज। सेकंड इंजन ऑप्शन की बात करें तो BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन देखने को मिलेगा। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113.42 BSV की पावर 4000 RPM पे एंड 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2750 RPM। और इसमें आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक एंड 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही मिलेंगे। डीजल वेरिएंट में आपको मिलने वाली है 20.4 KMPL की माइलेज। इस नए एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट में आपको काफी फीचर्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि इसमें क्रोम गार्निश फ्रंट ग्रिल नहीं मिलने वाले हैं, LED डे टाइम रनिंग लाइट आपको पतले वाले देखने को मिलेगा, और वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 17 इंच का यहाँ पे स्टील व्हील देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, फोल्डेबल नहीं मिलने वाले हैं, 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ड्यूल टोन का विकल्प नहीं मिलने वाले हैं, पडल लैंप और ब्लैक्ड आउट स्टाइलिंग और रूफ रेल साकफिन एंटीना आपको नहीं दिया जा सकता है इस वेरिएंट में। इसके अलावा और भी कटौती हो सकती है फीचर्स में, जैसे कि ब्राउन व लेदर अपोस्ट्री, डुअल आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, सामने सीट पर वेंटिलेटेड सीट्स एंड एयर प्यूरिफायर नहीं दिया जा सकता है। जो चीजें मिलने वाले हैं उनमें है पेनोरमिक सनरूफ, दूसरी व तीसरी पंक्ति में AC वेंट्स, फॉलो मी होम हेडलाइट्स, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ब्लूलिंक कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन बोस के स्पीकर की जगह यहाँ पे आकमी साउंड सिस्टम आपको दिया जा सकता है। ये थी दोस्तों हुंडई की एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।